राजस्थान विधानसभा चुनावों का परिणाम आ चुका है। कांग्रेस की हार, अब भाजपा की सरकार। पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस की बैठक और बैठक में कांग्रेस की पराजय पर मंथन। सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद। कांग्रेस के अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद, क्योंकि सबसे जरूरी बात उस आत्मचिंतन की है जिसके लिए सभी जुटे हुए हैं। लेकिन मायूसी सभी के चेहरे पर होगी, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक 25 में से 17 मंत्री सरकार के हार का सामना जिन्हें करना पड़ा। इसके अलावा भी कहीं पर अप्रत्याशित नतीजे, जब कांग्रेस के पक्ष में राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों में चुनाव के रिजल्ट के दौरान नहीं आए, तो आत्मचिंतन के लिए आज ये बैठक। बैठक में कांग्रेस की पराजय पर मंथन, किन बिंदुओं पर कहां पर लैक किया, कहां पर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हो सकता था, इन तमाम सारी चीजों पर चर्चा। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुट गए। योगेश जी, सबसे बड़ी बात यही होती है कि हर रिजल्ट के बाद में खुद पर सेल्फ एनालिसिस किया जाए, और वो जितना जल्दी किया जाए, जितना जल्दी खुद पर होमवर्क करना शुरू कर दिया जाए, वो आगे के परिणामों के लिए बेहतर होता है। लेकिन कांग्रेस की हार पर आज आत्मचिंतन जारी है। देखिए, समीक्षा तो होनी चाहिए, चाहे हार हो या जीत। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा, और जिस तरह से समीक्षा का ये दौर है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का भी दौर है, मंथन का भी दौर है। और इसमें ये भी कांग्रेस के नेता जांच रहे हैं, ये भी कांग्रेस के नेता देख रहे हैं कि कहाँ अचूक रही, कहाँ गलतियां रही, कहाँ कौन सी ऐसी बात हुई जिसके कारण कमोबेश हालात बदले। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन्होंने, जिनके कारण लगता है कि अब सोचने का समय है, समझने का समय है कांग्रेस पार्टी के लिए, किसी भी तरीके से उन तमाम चीजों से उभर कर सामने आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि शशिकांत सैंथिल, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, जो कांग्रेस वॉर रूम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और जिन्होंने राहुल गांधी को पूरी तरह आश्वस्त किया था कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, सत्ता में लाएगी, जिस तरह की तैयारी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंची, और सत्ता के करीब के अंक तक भी नहीं पहुंची, और बीजेपी को मुकाबला नहीं दे पाई। और यही कारण रहा है कि बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की भी, उन हार के कारण, पराजय के कारण की समीक्षा या तमाम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, विधिवत तौर पर बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष है जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस हाईकमान पर फैसला छोड़ा जाएगा, इसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह कांग्रेस पार्टी अब उस दौर से गुजर रही है। ये संक्रमण काल है, हार या जीत ये तमाम चीजें राजनीति में चलती रहती है, लेकिन समीक्षा का जो दौर है वो होना चाहिए, कमियों को खोजना चाहिए और सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव सामने है, तो वो चुनाव किस तरह से लड़े जाने चाहिए, जो गलतियां विधानसभा चुनाव में हुई है वो लोकसभा चुनाव में नहीं हो, और कम से कम एक सीट तो राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मिले, उस तरह की तैयारी अभी से कार्य योजना बननी चाहिए, रणनीति बननी चाहिए। योगेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रणनीति बनाने की जरूरत आगे की परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन योगेश जी, जिस तरह से परिणाम आया, और जिस तरह से परिणाम आने के बाद में प्रतिक्रियाएं आना, खुद पार्टी के भीतर से ही, भले ही वो खास चेहरे हो, एसटी हो, जिनकी प्रतिक्रिया एक्स पर बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रही है, शेयर हो रही है, जिसमें अंतर्घात की बात, कई चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आई जो कि मोस्ट प्रॉबेबली कई सामने आ सकती है। लेकिन बैठक कल विधायक दल की भी होने वाली है, इस पे विधायक दल की बैठक को लेकर, आज की बैठक से लेकर के जो भी निचोड़ निकलेगा वो कल भी विधायक दल की बैठक तक पहुँचेगा, आने वाले दिनों की प्रतिक्रिया और परिस्थितियों को लेकर के उसमें भी चर्चा। देखिए, यहाँ संगठन की समीक्षा का दौर है, और कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है वो मौजूद रहेंगे, एक दूसरे को बधाई का दौर भी चलेगा, गेट टुगेदर भी होगा, एक दूसरे से परिचय भी होगा, नए विधायकों का परिचय होगा, और साथ ही कुछ विधायक ऐसे हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बीता चुनाव हार गए थे लेकिन कद्दावर है, और पिछले कई चुनाव से कुछ चेहरे ऐसे थे जो चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, वो इस बार जीत कर आए हैं, श्रवण कुमार हो जाए, हरेंद्र मिर्जा ऐसे चेहरे हों, कुछ चेहरे ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने कद्दावरों को हराया है, चाहे वो नरेंद्र बुडानिया हो, चाहे वो प्रशांत शर्मा हो, और भी कई ऐसे नाम है, प्रहलाद गुंजल को हराने वाले शांति धारीवाल हो, जो इस उम्र में चुनाव जीते हैं, चाहे वो दयाराम परमार हो, तो एक तरह से बढ़ती हुई उम्र में भी चुनाव जीत कर आए हों, अशोक चांदना जैसे नेता है जिन्होंने
44,000 वोटों से प्रहलाद सैनी जैसे दिग्गज को चुनाव हरा दिया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को ये सोचना मंथन का समय कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के विधायक बने हैं, अच्छे वोटों से भी जीते हैं, लेकिन फिर भी सरकार से कितनी दूर रहे वो रह गए। पिछली बार 21 थी, इस बार कमोबेश 70 से कम है, लेकिन ये जरूर है कि सीटों की संख्या पहले के मुकाबले के सशक्त विपक्ष के नाते तो ठीक कही जा सकती है, लेकिन ये जरूर है हार का चिंतन मंथन और विधायक दल की बैठक में आगे की विधानसभा सत्र की रणनीति और तमाम वो पहलू सामने होंगे। नए विधायकों को गाइडलाइंस दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम प्रमुख नेता की मौजूदगी रहेगी। जी बिल्कुल योगेश जी, और तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।